जा रहे हैं हम लोग, और पर फिर मैं घर से निकलने से पहले शुरू नहीं कर पाती हूँ, अक्सर ऐसा होता है, पर आज मैंने सोचा कि शुरू कर देती हूँ और ये सब लोग निकल चुके हैं। हाई फ्रेंड्स, हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। मैरी क्रिसमस। दोस्तों, हम में से कई लोग ऐसे होते हैं ना कि अगर किसी ने उनसे 8-10 या भले ही 15-20 साल पहले क्यों ना उनके बारे में कुछ बोल दिया हो, तो बस हम लोग उसे मन में रख के बैठ जाते हैं कि अरे उसने हमसे ये कह दिया था, अरे उसने हमसे 10 साल पहले ये कह दिया, अरे उसने कह दिया सो कह दिया यार, जाने दो ना उसे, जो जो कह देता है ना, जिसकी आदत होती है बोलने की, वो कह देता है और वो अपने मन में फिट नहीं रखेगा उस बात को, लेकिन वो आपके मन पे बोझ डाल दिया और फिर आप उस बात को ना अपने दिल पर बोझ की तरह लिए आप सालों घूमते रहते हो। आप अपने मन में एक बोझ रखे रखते हो कि अरे बस जब भी उस आदमी की बात चलती है या वो आपको कहीं नज़र आ जाता है तो बस आपको वही 15 साल पुरानी बात याद आ जाती है। तो उस आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उस कहने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर फ़र्क आपको पड़ रहा है क्योंकि वो बात आप दिल में लिए बैठे हैं। तो जाने दीजिए ना यार, इग्नोर मारिए उन सब बातों को और अपनी लाइफ को इंजॉय करिए। अपनी लाइफ को अपने ढंग से इंजॉय करो, अपनी लाइफ को अपने ढंग से जियो। किसी के कहने पे मत आओ कि आप ये नहीं करोगे, क्या वो सही नहीं करो, नहीं, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो और वो ठीक है कि नहीं आपके लिए, बस वही काफ़ी है। लाइफ आपकी है, आप अपने अकॉर्डिंग इंजॉय करो, अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस लो। तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मैं हूं बबीता और स्वागत करती हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में। तो जी, अभी अभी मेरे पास किसी का फ़ोन आया है और वो हमारे घर आ रहे हैं, और उनका फ़ोन आया है कि चाय बना लो, हम भी आ रहे हैं। तो बस वो मेरे अपने खास हैं और इसीलिए मैं लग गई हूं उनके लिए खाने की तैयारी में कि जब वो आ रहे हैं तो वो खाना भी खा के चले जाएंगे। और ना, इन लोगों का फ़ोन आया था कि हम आ रहे हैं, जब मैं अपनी चाय बना रही थी तो हमारे लिए भी चाय बना लो। तो बस मैंने इन लोगों के लिए भी चाय चढ़ा दी और साथ ही साथ खाने की तैयारी भी करने लग गई थी मैं। तो मैंने बना दिया था फटाफट से मटर पनीर और चाय चढ़ाई थी एक तरफ, और मैंने मटर बॉईल करने रख दी थी। मटर मैंने दिन में ही छीली थी, तो बस मैंने इन लोगों के लिए मटर पनीर और रोटी की तैयारी कर ली थी। तो बस ये लोग खाना खा के फिर कुछ देर रुके थे, करीब 2 घंटे, उसके बाद वो लोग चले गए। और लोगों के आने के बाद ना, मैं डिनर की वीडियो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि हम लोग बातों में लगे रहे थे। और ये वाला जो वीडियो है ये नेक्स्ट डे का है, संडे का है, और मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पनीर की भुजिया, और प्याज टमाटर और हरी मिर्च अदरक काट के मैंने यहाँ पे छौंक दिया है। और ये मसाले जब भुन जाएंगे तो उसके बाद मैं मिला दूँगी इसमें और दूसरे मसाले, जैसे हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और ये सब मैं मिक्स करके इन्हें फिर से ढक के पका दूंगी। और इसमें ना मैं थोड़ा सा देगी मिर्च भी ऐड करूंगी कलर के लिए। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मैं कलर के लिए देगी मिर्च ज़रूर यूज़ करती हूँ जब कुछ स्पेशल बना रही होती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने देगी मिर्च ऐड कर दी, और उसके बाद मैं 3-4 मिनट इस मसाले को और पकाऊँगी, और जब ये मसाला अच्छे से पक जाएगा उसके बाद मैं ऐड कर दूँगी इसमें नमक, और फिर ऐड कर दूँगी मैं इसमें पनीर। और सर्दियों में मैं क्या करती हूँ कि जब मलाई, जैसे हम लोग जमाते हैं ना घी बनाने के लिए, तो गर्मियों में तो मलाई जब मैं जमाती हूँ तो वो थोड़ा खट्टा हो जाता है, जम जाती है अच्छे से, तो उसको हम चाहे उसका लस्सी बना ले, मट्ठा, रायता, कुछ भी बना लेते हैं, और फिर नहीं तो कढ़ी बना लेते हैं। और सर्दियों में क्या होता है कि जब हम उसको जमाते हैं मलाई को, तो वो ईज़िली खट्टा नहीं होता है, वो ऐसा फीका फीका सा रहता है, तो वो किसी यूज़ का नहीं हो पाता। फिर ना तो आप उसको रायता बना सकते हो, ना ही फिर हम उसका कढ़ी वगैरह कुछ बना सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ कि सर्दियों में ना मोस्टली मलाई को बिना जमाए ही, उसमें मतलब जमाती नहीं हूँ, और बस वैसे ही उसको बटर बना देती हूँ, और घी मेरा ईजीली निकल आता है, और बचे हुए मटेरियल से मैं फाड़ के उसको, क्योंकि वो दूध ही है, तो मैं फाड़ के बना लेती हूँ पनीर। और बस इसी तरह सर्दियों में ज़्यादातर मेरे घर में पनीर की भुजिया आपको दिखेगी सर्दियों में, क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ। फिर यह है कि पनीर की भुजिया हो जाती है और फिर साथ में कुछ भी थोड़ा सा बना लो। तो बस यहाँ पर मैंने रात का मटर पनीर थोड़ा सा बचा हुआ था, तो वो भी मैंने निकाल लिया, थोड़ी सी बन गई है पनीर की भुजिया।
तो बस ये सब चीज़ गर्म करके और मैं एक तरफ रोटी जा रही हूँ। फ्रेंड्स, हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए, देखिए, मैं ना बहुत देर से सोच रही थी व्लॉग स्टार्ट, मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि कहीं जा रहे हैं हम लोग, और पर फिर मैं घर से निकलने से पहले ना शुरू नहीं कर पाती हूँ, अक्सर ऐसा होता है, पर आज मैंने सोचा कि शुरू कर देती हूँ। और ये सब लोग निकल चुके हैं और मैं भी जब ठीक कर ही रही हूँ घर से और लॉक कर रही थी, इसलिए फिर आपको दिखाते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। प्रोग्राम तो बना हुआ था मेरा, अचानक से तो नहीं बना है प्रोग्राम, पर हाँ थोड़ा सा मतलब हो रहा था कि हाँ जाएंगे कि नहीं, ठंड बहुत पड़ रही है। पर फिर अभी हस्बैंड कहीं गए हुए थे कॉल पे, और फिर अभी वो आ गए हैं, तो चाय वाय पी के फिर घर की पूजा वगैरह कर ली है हमने, दिया जला के बाबा का, और अब हम कहाँ जा रहे हैं वो मैं दिखाऊंगी आपको। तो चलिए घर को लॉक कर देती हूँ, पहले गेट लॉक करती हूँ, फिर निकलते हैं। हेलो गाइस, मैरी क्रिसमस, फर्स्ट क्रिसमस है और हम कहीं जा रहे हैं। यस, और हम कहाँ जा रहे हैं ये हम आपको वहीं जाके दिखाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। उसका नाम एम से शुरू होता है जिनको हम बहुत मानते हैं। क्लू नहीं देना है। क्लू भी नहीं दे सकते? नहीं, क्लू ये नहीं देना है भाई? आप बोलो बस, आप गैस करो, आप गैस करिए हम कितने जाएंगे। और वैसे तो हम थोड़ी देर में आपको दिखा ही देंगे बात। तो हम घर से निकल चुके हैं और हम आ गए हैं, ये हमारे घर की आसपास वाली मार्केट है जी। तो आगे हो जाएगा अंधेरा, इसलिए मैंने सोचा हम आपको यही दिखा देते हैं, और उसके बाद देखती हूँ अगर कहीं उजाला मिलेगा तो बनाएंगे वीडियो और दिखाएंगे आपको। और फिलहाल तो हम आ गए हैं, अब हम मेन रोड पे आने वाले हैं। तो चलिए फिर आगे दिखाती हूँ आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं। वैसे तो ना हम लोग जब जाते हैं जहाँ हम जा रहे हैं वो मैं भी आपको दिखाऊंगी कि आपको पता चल ही जाएगा कि कहाँ जा रहे हैं। तो मैक्सिमम ना वहाँ जाने के 20 मिनट्स लगते हैं, अब आप किसी भी टाइम चले जाओ, लेकिन क्योंकि क्रिसमस है ना, तो क्रिसमस की वजह से आज इतना जाम था कि हमें जैसे ही हम मेन रोड पर आए हैं और वहाँ पर 5 मिनट्स भी नहीं चले थे हम सीख से, और वो जाम जो लगा ना, फिर हम वहाँ पहुँचे लगभग 45 मिनट्स में हम वहाँ पे पहुँचे हैं। तो बस बहुत ज़्यादा जाम था क्रिसमस की वजह से। और देखिए फाइनली हम पहुँचते हैं जहाँ मैं आपको लेकर आई हूँ। देखिए आज हम आ गए हैं दर्शन करने बाबा के, और मेरी ना ये कोशिश रहती है कि घर में जब भी कोई ओकेज़न हो, बच्चों का बर्थडे हो या हम लोगों का भी बर्थडे होता है, तो बस पहले मैं ना मंदिर आना प्रेफर करती हूँ कि मंदिर आएँ और दर्शन हो जाएँ, तो उससे हमें दर्शन तो हो ही जाते हैं और बच्चों को भी सीखने मिलता है कि हमारा कल्चर क्या है, और बच्चे भी पूजा पाठ करना सीख जाते हैं। हमारे हम ना कई महीनों से यहाँ पर आ नहीं पा रहे थे, मीन्स हमारे जो दर्शन थे ना, मन करता है बाबा का, जैसे बाबा की याद आती है तो हम लोग यहीं आ जाते हैं। तो बस अब हमारा मेरे ख्याल से शायद 4-5 महीनों में आना हुआ है, तो बस आज बहुत मन हो रहा था, कुछ दिनों से लग रहा था कि जाएं दर्शन के लिए, तो बस हम यहाँ पर आ गए हैं और बाबा के दर्शन हो गए हैं, और सायका बस इधर उधर घूम रही हैं प्रसाद लेती हुई। तो बस दर्शन करने के बाद हम लोग कुछ देर वहाँ बैठे बाबा के मंदिर में ही, और फिर हम लोग चल दिए थे घर के लिए। मैरी क्रिसमस गाइस, तो हमने आपको करा दिए हैं दर्शन बाबा के, और जो हमारा सरप्राइज था वो हो चुका है डिस्क्लोज, तो आपको पता चल गया है हम गए थे बाबा के दर्शन करने, क्योंकि हम ना कई महीना हो गया था हम लोग जा नहीं पा रहे थे बाबा के दर्शन करने, तो हम बस बाबा के दर्शन करके आ गए हैं, और युग को यहाँ बीच में कुछ काम था तो बस हम युग गया था वहाँ वो काम करने, और हम यहीं पर गाड़ी में ही वेट कर रहे थे, और युग अभी अभी आ चुका है अपना काम करके, और अब हम पहुँच गए हैं घर।
और घर जाके बनाएंगे गरम गरम रोटियाँ, खाना खाएंगे। और आज की वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।